नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। अब सीधे आपको लिए चलते हैं लाइव इंदौर, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा ले रहे हैं। आपको लिए चलेंगे अब सीएम शिवराज लाइव इंदौर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जहां वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया जा रहा है। वैक्सीनेशन सेंटर पर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, किस तरह से प्रशासन की मुस्तैदी है, इन तमाम तैयारियों का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जायजा लेने पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लाइव इंदौर से। जी को हमारे इंदौर ऑक्सीटिक एंड डायबिटीज सोसाइटी के सभी सदस्यों की तरफ से मैं सम्मान प्रेषित करती हूँ। और आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी प्रथम महिला मिसेज मालवनी कौर जी, निशांत खरे जी और मनीष सिंह जी के जो मार्गदर्शन में जो चल रहा टीकाकरण का कार्यक्रम, और अपने समय समय पर जो मीटिंग्स होती है उनकी सती है, उसके अनुरूप ही हम लोग अभी थर्ड वेव की तैयारी कर रहे हैं। ईश्वर करे कि थर्ड वेव आए ना, पर ये जो दो वेव्स है हमारे यहाँ जिस तरीके से कुछ कुछ कंप्लेंट्स पेशेंट की आई है, तो हमारी सोसाइटी की तरफ से सबसे पहले तो डॉक्टरों का इंडक्शन प्रोग्राम बार बार हम लोग कर रहे हैं। सारे डॉक्टर्स को बार बार वेबिनार्स के थ्रू और सीएमएस के थ्रू और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के लिए, और अगर प्रेगनेंसी में कोविड हो जाए या प्रेगनेंसी के बाद या सामान्य महिलाओं को कोविड हो जाए तो उसका प्राथमिक उपचार और गंभीर मरीजों का उपचार, उन सबके बारे में भी हम बार बार जागरूक करते हैं। हमारे पैरामेडिकल जो स्टाफ है उसको हम लोग सिखा रहे हैं कि आप जिस तरीके से हिस्ट्री टेकिंग करते हैं फीवर के लिए या कोविड के लिए, और इसके अलावा वैक्सीनेशन के लिए भी बोला जाए। गवर्नमेंट की तरफ से 23 जुलाई को जो एंडोर्स हुआ वैक्सीनेशन प्रोग्राम प्रेगनेंट महिलाओं को, यही भी महीना हुआ है, पर ऐसे काफी डॉक्टर्स की तरफ से तो हेल्प है और गवर्नमेंट की तरफ से भी काफी हेल्प है जो टीकाकरण के लिए मास टीकाकरण अभियान अभी कल और परसों के लिए जो चालू हुआ और पिंक हेल्थ सेंटर्स चालू हुए। तो गर्भवती महिलाओं को बार बार समझाइश दी जा रही है कि टीका लगने के बाद अगर बीमार पड़ते हैं तो उतना गंभीरता नहीं रहेगी, माइल्ड रहेगा। तो अभी तो बहुत रुझान है, महिलाएं भी उत्सुक है, रोज आते हैं उनकी तरफ से, रोज पूछने के लिए आते हैं कि टीका लगा सकते हैं कि नहीं। तो फॉक्सी की जो गाइडलाइंस है, हमारी तो 6 महीने पहले गाइडलाइंस आ चुकी थी कि टीका लगाना चाहिए, पर गवर्नमेंट की तरफ से हरी झंडी मिलने में अभी 1 महीना हुआ है। तो जब सब तरफ से हरी झंडी मिल गई तो हम भी जोर देके महिलाओं को कह सकते हैं कि आपको टीका लगाना ही है। इसके अलावा कलेक्टर महोदय ने एक समिति बनाई है जिसमें हमारे फॉक्सी की पदाधिकारी महिला डॉक्टरों को रखा गया है। तो जो मैटरनिटी, जिन हॉस्पिटल्स में मैटरनिटी ज्यादा होती है, जहाँ डिलीवरी की संख्या ज्यादा है, वहाँ हमारे पदाधिकारी, हमारे पीडियाट्रिक कलीग्स और गवर्नमेंट के पदाधिकारी जाके उनका आईसीयू, मैटरनल आईसीयू, नियोनेटल आईसीयू का चेक कर रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट लेती हुई उनके पास एम्बुलेंस या उनके ऑक्सीजन की सुविधाएं, ऑक्सीजन प्लांट जहाँ लगे हैं वो वर्किंग है कि नहीं, तो इसकी भी एक रिपोर्ट बनाकर अभी कलेक्टर महोदय के पास है। फिर आशा कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग चल रही है। फिर हमारे पैरामेडिकल जो स्टाफ है उनका भी ट्रेनिंग चल रहा है। हर हॉस्पिटल में से 4-5 या ज्यादा भी अगर आना चाहें तो ट्रेनिंग सेंटर्स एस्टेब्लिश कर रहे हैं, वो लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं।
और समय समय पर कलेक्टर साहब जैसा बोलते हैं, निशान तरीके जैसा बोलते हैं, मालूम जी जैसा बोलती है, उसके अनुरूप भी करते हैं। और सबसे खुशी की बात है कि इस बार ऐसा हो रहा है कि माननीय वार्ड सर बार बार मीटिंग्स लेकर पूछते हैं कि आप लोगों के और क्या सुझाव है, तो हम लोग भी खुले दिल से बता पाते हैं कि सर यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है, तो उसको कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना हो। तो आपके इस सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम सभी पदाधिकारियों की तरफ से आपको वापस से संपर्क करें। मैं डॉक्टर कविता बात, मैं नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ फेडरेशन ओबीजीवाई की। हमारा बहुत प्राउड एंड प्रिविलेज है कि इंदौर से हम 3 वाइस प्रेसिडेंट 48,000 गायनेकोलॉजिस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। और फॉक्सी ने ये बहुत ही पहले 6 महीने पहले ही MHO के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ ये डिक्लेयर कर दिया था कि वी आर डूइंग द वैक्सीनेशन। तो हमारे नेशनल लेवल से तो हम जोर से कर रहे हैं और लोकल लेवल पर बहुत अच्छा हो रहा है, और आई थिंक इसका तरफ से सपोर्ट है। थैंक यू सो मच शंकर फॉर गिविंग अस चांस टू बी हियर, थैंक यू सो मच। और एक किसी और ने अगर संक्षेप में बात करनी हो तो कह दीजिए, थोड़ा संक्षेप में कहिएगा, फिर मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर आशा पक्ष, मैं भी वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हूँ फॉक्सिल की, जैसे कि डॉक्टर कविता बापट ने बताया। मेरे पास इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स काफी आते हैं, और उन्हें हम प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले ही बहुत ज्यादा इंकरेज कर रहे हैं कि आप लोग वैक्सीनेशन लगाएं, और केवल वो ही नहीं, उनके हस्बैंड्स, उनके फैमिली। तो जैसे जिस हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में मैं काम करती हूँ, वहाँ 300 वैक्सीनेशन हमने हॉस्पिटल में लगाए, तो उसमें से 92 जो पेशेंट्स है वो गर्भवती महिलाओं को वैक्सीनेशन लगाए गए हैं। तो इस तरह से हर तरफ से हम ट्राई कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन लगे, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे कोरोना का जब विकराल रूप है वो यहीं थक जाए। थैंक यू। मुख्यमंत्री जी से आग्रह, आदरणीय श्रीमती नानी गौर जी, मैं इनको इस बात के लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ, विशेषकर गर्भवती बहनों के वैक्सीनेशन के काम को इंदौरों भर कर गंभीरता से कर रही हैं। डॉक्टर निशांत जी कोविड की लड़ाई में प्रारंभ से ही हमसे जुड़े हुए हैं, आदरणीय महेंद्र जी, गौरव जी, आकाश जी, हमारे कलेक्टर, हमारे कमिश्नर, और फॉक्सी के अंतर्गत काम कर रही मेरी सभी डॉक्टर बहने मित्रों, मैं ताज हृदय से धन्यवाद आपको देना चाहता हूं। एक ऐसा वायरस जिसको पहले दुनिया जानती नहीं थी, अचानक उसने अटैक किया तो पहले तो समझ में नहीं आया कि करें क्या, और फिर वैक्सीन भी जब बनी तो वैक्सीन किसको लगे किसको ना लगे, और उसमें भी समस्या थी कि वैसी स्थिति में जब बहुत गर्भवती होता हूं। अभी 1 महीने पहले जैसा आपने बताया फॉक्सी को 6 महीने से प्रयत्न लगा था, लेकिन 1 महीना पहले ये अप्रूव हुआ कि हमारी गर्भवती बहनों को भी ये वैक्सीन लगाई जा सकती है, और मैं भी देख रहा था बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मेरी बहनें यहां बैठी है वैक्सीनेशन के लिए। मन में कोई भ्रम नहीं है, मन में कोई डर नहीं है, पूरा आत्मविश्वास है ये वैक्सीन उनको भी और आने वाले बेटा बेटी को भी सुरक्षित रखेगा। इस अभियान में आप सब जुड़े हैं, मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अवेयरनेस क्रिएट करना ये सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ा चैलेंज आज। हम सब जानते हैं कि वायरस आज भी जारी है, वायरस है और मध्य प्रदेश में भी कम आ रहे हैं, नियंत्रित है लेकिन पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। इंदौर में भी इतना दुखा आते रहते हैं, कभी 2 कभी 3 लगातार आते रहते हैं, और ये वायरस ऐसा है कि कब स्वरूप बदल ले आप तो जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं, कभी ये अपना स्वरूप बदल ले इसका कोई ठिकाना नहीं है, अल्फा बेटा डेल्टा पता नहीं कितने इसके स्वरूप एक के बाद एक सामने आ चुके हैं, इससे सावधान रहने की अत्यंत आवश्यकता है। और आप जो डॉक्टर्स हैं वो समाज को सुरक्षित भी रखेंगे और अवेयरनेस क्रिएट करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेंगे हम सब लोग। इस समय मेरे मन में भी एक चिंता तीसरी
शहर की तैयारी भगवान करे ना आए, लेकिन केरल को देख के डर लगता है। और उधर भी आपके पास शेयर कर रहा हूँ, केरल में कल 37,000 केरल हमसे बहुत छोटा राज्य है। केरल अगर हेल्थ फैसिलिटी देखें और बेहतर स्थिति में है, ये मालूम संकट में जैसे में आप अच्छी तरह जानते हैं 1.5 लाख के आसपास लगातार केसेस आ रहे हैं, अस्पताल वहां भी भर रहे हैं, और इसलिए इसमें लापरवाही की कहीं कोई विकास है ही नहीं। इंदौर बहुत बहुत जागरूक शहर है, अलग अलग कई रिकॉर्ड स्वच्छता से लेकर इंदौर ने स्थापित किए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि फैक्ट्री के नेतृत्व में हमारी गर्भवती बहनों की सुरक्षा के लिए वैक्सीनेशन के मामले में भी इंदौर एक इतिहास रचेगा, एक रिकॉर्ड बनाएगा। और इंदौर केवल इंदौर नहीं है, इंदौर की आवाज फिर निर्मालवा में जाती है, निमार में जाती है, अंतिम मध्य प्रदेश में जाती है, कॉमर्शियल कैपिटल इंदौर होगा। इंदौर का सब हर जगह जाता है, ये विश्वास से गांव गांव में फैला होगा। इस काम के लिए, इस महाप्रयास के लिए, भागीरथ प्रयास के लिए मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबको डबल करता हूँ और बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। अभी आपके स्क्रीन पर जो अभी आएगा ये प्रकल्प जिसके अनावरण के लिए, शिलालेख के अनावरण के लिए आज मुख्यमंत्री जी यहाँ हमारे बीच में है। ये पिंक सेंटर जिसमें गर्भवती महिलाओं का वैक्सीनेशन होगा, कल इसके साथ रही इस प्रकल्प की थोड़ी सी जानकारी है। थोड़ा पृष्ठभूमि आप सबके बीच रख रहे हैं। मध्य प्रदेश में दो बेल्ट, मंडवा शेगोल वाला और हमारे से लगा हुआ खरगोन बड़वानी दार झाबुआ का जो बेल्ट है, ये थैलेसीमिया के जो मरीज हैं उनके लिए एंडेमिक होता है। लगभग 80% केसेस दलई, भील, भिलाला, बंजारा, मुस्लिम और सपेरा जो समाज है इसमें से निकल कर आते हैं। एक सामान्य कैलकुलेशन अगर बिठाएं तो ₹1,00,000 हर साल का, मतलब अगर बच्चे की आयु 20-25 वर्ष होती होगी तो 20-25 लाख रुपए का वे इस समाज से आने वाले परिवार उनके इलाज पर खर्च करते हैं। सिंगल सेल के लिए भी ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो इसका फैलाव है वो काफी ज्यादा है। इंदौर की दृष्टि से पश्चिमी क्षेत्र में बार बार ये समस्या या मांग भी रहती थी कि एक बहुत विश्व स्तरीय लैब, एक बहुत विश्व स्तरीय ब्लड बैंक, एक बहुत विश्व स्तरीय डायलिसिस का सेंटर ये कहीं पर खड़ा होना चाहिए। ये जिस प्रकल्प में बैठे हैं पीछे जो बिल्डिंग है, 18 महीने के कार्यकाल में रेडक्रॉस के अंतर्गत इस प्रकल्प को एक ऐसे सेंटर में परिवर्तित करने की योजना है जो कि एक तो इस शहर की सर्वश्रेष्ठतम लैब, पैथोलॉजी लैब की तरह काम करेगा, ऐसा ब्लड बैंक जो सब प्रकार के संसाधनों से युक्त है, सारे कंपोनेंट सेपरेशन कर सकता है, उसके लिए काम करेगा, डायलिसिस के 20 पलंग जिसमें कि डायलिसिस के मरीजों का निःशुल्क इलाज हो उसकी व्यवस्था यहाँ रहेगी, डे केयर सेंटर होगा और विशेष रूप से थैलेसीमिया और सिकल सेल के बच्चों का 20 पलंग का डे केयर सेंटर, यानी जो 6,000 ट्रांसफ्यूशन पर प्रतिवर्ष कर सकता है और इस सेंटर के तहत परिवर्तित किया जा रहा है। ये रेडक्रॉस के अंतर्गत होने वाला है, सारे के लिए एक टीम लगी हुई है इसके लिए, अनिल भंडारी जी हैं, पुनीत पांडे जी हैं, डॉक्टर विनीता कोठारी ने यह भी कहा है कि अपनी सेंट्रल लैब छोड़कर मैं पूरा समय भी इस सेंटर के लिए दूंगी और जन सहयोग से इसके लिए आने वाली सारी राशि भी संजय अग्रवाल जी, राजेश गर्ग जी, पारस कटारे जी ऐसे अन्य सभी डोनर्स जुड़कर लगभग सारी राशि जो है वह जन सहयोग से खड़ी की जा रही है। आशय यह है कि गरीब लोगों को भी, इस प्रकार के प्रभावित लोगों को भी विश्व स्तरीय इलाज, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ मिनिमम या जीरो कॉस्ट पर दिया जा सके। स्क्रीन पर यह इसका एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है, इसे मुख्यमंत्री जी से नाम प्रकल्प सुशुद्ध दिया गया है। आयुर्वेद में रचना के अनुसार रक्त को दोष और रक्त को ऑर्गन के रूप में मानने की दुनिया में पहली बार व्याख्या आचार्य सुश्रुत ने करी थी, तो चूंकि रक्त से संबंधित है तो प्रकल्प सुश्रुत इसका नाम है। डायलिसिस थैलेसीमिया सेंटर होगा, मॉडर्न ब्लड बैंक होगा, पैथोलॉजी लैब।